कानपुर बीडीओ के खिलाफ प्रधानों ने किया धरना प्रदर्शन, विधायक के आश्वासन धरना प्रदर्शन समाप्त। बहराइच, अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तत्वावधान में शिवपुर विकास खंड परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन कर शिवपुर के खंड विकास अधिकारी अमन कुमार वर्मा के तत्काल स्थानांतरण व उनके द्वारा कराए गए कार्यों की जांच और कार्यवाही की मांग की गई थी। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के महामंत्री सूर्य प्रकाश सिंह उर्फ बुल्लू सिंह ने आयोजित धरने को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिवस जल जीवन मिशन शक्ति योजना के तहत प्रशासनिक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्लॉक प्रमुख के अलावा नानपारा विधायक भी मौजूद थे। बीडीओ शिवपुर द्वारा आयोजित बैठक की अनदेखी किए जाने से नाराज प्रधान संगठन ने बीडीओ द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच व बीडीओ के स्थानांतरण की मांग की गई थी। प्रधान संगठन ने जिलाधिकारी मोनिका रानी को ज्ञापन देकर कार्यवाही न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। बृहस्पतिवार को ब्लॉक के ग्राम प्रधानों ने बीडीओ द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच और बीडीओ के स्थानांतरण को लेकर सैकड़ों प्रधानों ने अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले शिवपुर ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना पाकर नानपारा विधायक राम निवास वर्मा व ब्लॉक प्रमुख शिवराम यज्ञ सैनी ने प्रधान संगठन से वार्ता की। विधायक नानपारा श्री वर्मा ने जिले के उच्चाधिकारियों से बात कर बीडीओ की स्थानांतरण और उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच की मांग मान लेने की जानकारी धरना दे रहे प्रधानों को दी। जिस प्रधान संगठनों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है, प्रधान संघ के जिला संरक्षक संजीव श्रीवास्तव वोकेट व प्रवक्ता सूरज शुक्ला ने बताया कि बीडीओ को न हटाए जाने पर 6 सितंबर से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर गुलाम वारिस, कमलेश कुमार, सिराज, आनंद कुमार, फूलमती, वीरेंद्र कुमार, वारिस अली, शेर अली, मीरा देवी, नफीस अहमद, मीना, अजय कुमार, उमेश कुमार, रफीक, अर्पित यागसिनी, अनिल मौर्य, सैफ अली व उषा देवी सैकड़ों लोग शामिल रहे। लड़ाई कितने दिन तक चलेगी मैं नहीं जानता, जब तक परिणाम नहीं आएगा ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ये सम्मान से जुड़ी लड़ाई है। और माननीय प्रवक्ता जी और संरक्षक महोदय, मैं आपको एक चीज और अवगत करा दूं, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष और महामंत्री आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, जब तक कोई रिजल्ट नहीं आता है जीत हमारी सुनिश्चित नहीं है, लेकिन परिणाम आना चाहिए, चाहे मेरे पक्ष में आवे और चाहे विपक्ष में आवे। मांग पूरी लाल एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, विकास अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मांगे पूरी ना होने पर क्या करेंगे? हाँ, आगे के कार्यक्रम अगर, हाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, अगर पूर्ण रूप से हमें परमिशन नहीं मिलता है आज, पूर्ण रूप से परमिशन हमें नहीं मिलता है, तो आधा घंटा एक घंटे के बाद हमारा ये धरना समाप्त हो जाएगा। जिस दिन 6 तारीख को अधिसूचना समाप्त हो जाएगी, उसके बाद एक बृहद कार्यक्रम करेंगे। प्रशासन के कुछ लोग हमको बुला रहे हैं, हम उनसे वार्ता कर लें। हमारे समर्थन में यहाँ बैठे रहे, इसके लिए मैं सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आज कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, शासन द्वारा हमको अनुमति नहीं मिली, और चूंकि जिस व्यक्ति के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं वो भी सरकार का एक अभिन्न अंग है, माननीय विधायक नानपारा, उनको जब जानकारी हुई उन्होंने उससे कहा कि आपके जो जिला के पदाधिकारी हैं वो, और प्लस जो आपके प्रधान संगठन के ब्लॉक के प्रधान साथी हैं उनको लेकर के आप हमारे पास नानपारा आ जाइए, हम चल करके डीएम से बात करते हैं और इस वीडियो को हटाने का काम करेंगे, ये उनकी घोषणा है। परमिशन नहीं मिला है, इसलिए इस कार्यक्रम को यही मैं समाप्त करता हूं। अपने जनप्रतिनिधियों के साथ मैं नानपारा जा रहा हूं, विधायक जी से मिलूंगा, अगर विधायक जी की बात को डीएम नहीं मानते, सीडीओ नहीं मानते, तो मेरे साथियों जिस तरीके से आज मेरा आप लोगों ने समर्थन किया है, 6 तारीख को अधिसूचना समाप्त हो जाएगी, मैं अगला कार्यक्रम ब्लॉक मुख्यालय के ऊपर करूंगा,
जिसमें आपका समर्थन मुझे चाहिए। नाम एकता जिंदाबाद, नाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, खान विकास अधिकारी मुर्दाबाद, जिंदाबाद, खान विकास अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरा प्रदर्शन, मेरा धरना यहाँ समाप्त होता है। उपस्थित, हाँ, स्थगित कर रहा हूँ। 6 तारीख के नगर सकारा देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रधानों और बीडीओ साहब के बीच में जो गैपिंग थी, संवाद का जो अंतर था, वो स्थापित नहीं हो पा रहा था। हमने इस बात को जब विधानसभा नानपारा के विधायक माननीय रामनिवास वर्मा जी से कहा, तो उन्होंने शिवपुर ब्लॉक के प्रधानों को अपने आवास पे आमंत्रित किया। हमारे यहाँ से 68 की संख्या में लगभग 57-58 प्रधान उनके आवास पे गए। 58 हमारी उनकी वार्ता हुई। हमने कहा, विधायक जी, नया लड़का है वीडियो, पढ़ा लिखा तो बहुत है लेकिन शिक्षित नहीं है। शिक्षा समाज से मिलती है और समाज में वो व्यक्ति रहा नहीं है, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आपको, आप आवें और हमारे प्रधान साथियों के बीच में और जो वीडियो साहब के बीच में अंतर है उसको समाप्त कराने का प्रयास करें। हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया माननीय विधायक जी, हमारे बीच में आए और उन्होंने खंड विकास अधिकारी को बुलाया। मीटिंग हॉल में बैठे रहे, खंड विकास अधिकारी नहीं आए। इस बात से हम पीड़ित हुए कि हमारा एक उत्तर प्रदेश सरकार का अंग एक खंड विकास अधिकारी को बुला रहा है हमारे उनके बीच में वार्ता कराने के लिए, वो शख्स नहीं आया। इससे हमको कष्ट हुआ। मैंने उस दिन सांकेतिक धरना किया और धरने के बाद लिखा पढ़ी में हमने नोटिस नहीं दिया था, इसलिए मैं समय निकाल करके नोटिस देने गया, जिला अधिकारी महोदय को नोटिस दिया। आज की तिथि हमने दिया था कि अगर आज तक खंड विकास अधिकारी नहीं हटाया गया तो मैं धरना करूंगा। आज मेरा धरना प्रारंभ है। धरने के बाद भी अगर नहीं सुनवाई होती है, आत्मदाह करूंगा, आमरण अनशन करूंगा। यही मुख्य मांग है। जो व्यक्ति हमारे विधायक का सम्मान नहीं करेगा, हमारे प्रधानों का क्या सम्मान करेगा? प्रधान एकता जिंदाबाद। किन किन मांगों को लेकर आपके धरना चाहते? हमारे दो ही मांग थी विशेष तौर पर। पहली मांग ये थी कि वीडियो हटाया जाए और जो ऑपरेटर थे वो हटाया जाए। हाँ, ऑपरेटर को उन्होंने हटा दिया। और वीडियो साहब से क्या हमदर्दी है डीएम साहिबा को? वीडियो साहब से क्या हमदर्दी है सीडीओ साहब को? वीडियो साहब से क्या हमदर्दी है डीपीआरओ साहब को? मैंने सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल